गाइज गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हो गया काम? yes, कल धोया था फ्रेंड्स, कल इतनी शाम को आंधी आई ना, सारा मिट्टी मिट्टी हो गया। रोज यहाँ पे इतनी आंधी आती है, पीछे देख लो अभी तो मकान बने हुए फिर भी पता नहीं। बस अब तो कर दिया इन्होंने, बंद कर दिया। छोटी 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 छोड़ा जाता तो बस चलते हैं किचन में, देखते हैं आज क्या बनाएं क्या बनाएं। वही रोज की मुसीबत, साहब से पूछते हैं क्या बनाएं। हाँ जी क्या बनाएं आज? रोज की सम। आप तो खाते नहीं, आप कैसे खाओगे फिर? वो तो खाएंगे, आप तरी तरी खाओगे। एक घर में राजमा नहीं खाता, एक घर में वाइट, इनके वाइट चने फेवरेट है तो बाकी सब वाइट चने नहीं खाते। नहीं बनने को तो सब कुछ बन सकता है उसमें, कि नहीं नहीं आजकल ऐसे बन जाते। बाकी सब वो छोले नहीं खाते, अब क्या करें, बड़ी दिक्कत है सब्जी की तो हमारे यहाँ इतनी परेशानी है ना। होती तो खैर सबके यहाँ ही होगी सभी की, बाकी हमारे यहाँ मेरे को तो ज्यादा ही लगती है। कहीं पे भी सब आदमी एक चीज नहीं खाते होंगे, कहीं पे भी ऐसे करती हूँ। नहीं तो उसमें ना दो छोले डाल देती हूँ, राजमा में से आपको निकाल के दे दूंगी दो छोले के फिर। तो चलिए चलते हैं किचन में। ऐसे क्यों चढ़ा रखा है ऊपर पजामा? तो कल इन्हों के ना गोड्डों में दर्द था तो मैंने ना मल्लम लगा दिया। मल्लम क्या वो मतलब होता है जो बाम है। तो इनको वो एलर्जी कर गया, तो देखो इनकी वो इनको ना एलर्जी रह जाती है, तो सारे घुटने देखो कैसे लाल कर रखे हैं खारिश कर करके। तो अब इन्होंने खारिश वाली, पहले बाम लगाया, अब पूरी रात खारिश करी, अब खारिश वाली ट्यूब लगाएंगे। बस वही कहावत है, कानी के ब्याह में सो जखम है, तो वही है। अब बाम लगाया ना कल, वो सूट नहीं किया, एलर्जी कर गया। गर्म तो होती है ये चीज, इनको एलर्जी की बीमारी है शुरू से ही, आज की नहीं है। कितनी दवाइयाँ खाते हैं एलर्जी ठीक नहीं, ना वोच ना गले में कुछ भी। तो चलिए किचन में, किचन हो गई है क्लीन। इधर ये लहसुन छीला था मैंने पानी में, कि पंखे गर्मियाँ है पंखा चलता है तो उड़ता है, ये लहसुन छील दिया। देखते हैं छोले बनाते हैं, राजमा जो भी बनाते हैं आपके साथ शेयर करेंगे। इधर ना ये आज संडे ही आ गया, तो पिछले संडे में ये नारियल लेके आई थी, कच्चा गोला जिसे बोलते हैं, तो ये फ्रिज में रख के भूल ही गए। भूलने की इतनी बीमारी है, याद ही नहीं रहता। तो सुबह मैंने देखा दरवाजे में ये नारियल पड़ा हुआ है, तो शुक्र है ख़राब नहीं हुआ। मैंने कहा चटनी बनाऊँगी मैं इसकी, तो बस ध्यान नहीं रहा। मैंने इसको पानी में डाला, कुछ बेटी ले जाएगी ऑफिस में कुछ थोड़ी सी, कि मैं चटनी बना लूँगी। तो देखते हैं इधर छोले या राजमा, बस तो राजमा ही खाते हैं खुश होकर, क्या ही करें, आधे छोले आधे राजमा। चलो राजमा ही बनाते हैं, भिगोए तो है नहीं, मैं बिना भीगे बन जाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसे बनते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ बिना भीगे। अब इसमें से मैं जितने भी राजमा मैंने बनाने हैं उतने ले लूँगी, और उसमें डाल दूँगी एक गिलास पानी और थोड़ा सा नमक और प्रेशर कुकर में, और इसको अपना एक विसल दिलवा के कुकर कर दूंगी बंद, और आधा घंटा छोड़ दो, आधा घंटा या मतलब विसल निकलने तक छोड़ दो इसको। फिर उसके बाद इसमें अपना नॉर्मल पानी डाल के इसको बॉईल कर लो, और तड़का तैयार करके साथ साथ तड़का लगा लो अपना। तो बस ऐसे ही बनाऊंगी मैं। तो इधर राजमा बॉईल करने मैंने रख दिए हैं, इधर कर लेती हूँ मसाला तैयार। ये लहसुन इसमें डाल दिया है, डाल देते हैं प्याज, और डाल देंगे अपना इसमें टमाटर। और जब से ये ग्राइंडर लिया है ना मैंने, ये चॉपर, इतना मज़ा आता है इसमें अपना, तीनों चीज़ें इकट्ठी डाल दी मैंने अपना, जो भी आपने मसाला डालना सब इकट्ठा डाल दें, लहसुन अदरक प्याज, और इसे अपना ढक के अब इसे चॉप कर लेंगे। 5 मिनट भी नहीं, 2 मिनट लगते हैं, 5 भी मैं ज़्यादा बोल रही हूँ। विसल आ गई है एक, अब मैं गैस कर देती हूँ बंद। अब इसे ठंडा होने देंगे, फिर इसके में डालेंगे हम पानी नॉर्मल, फिर इसे बॉईल करेंगे। अब गैस मैं कर देती हूँ बंद।
सो फ्रेंड्स, अभी मैं स्किन केयर कर रही थी ना, तो देखो ये वाला जो मेरा टब है, इतना बड़ा टब मंगाया था मैंने पोन्स का सुपर लाइट जेल, ये खाली हो गया, फिनिश हो गया। और इसका जो मैंने रीस्टॉक भी कर लिया था सेम, ये देखो ये फिर से मैंने बड़ा टब मंगा लिया। और इसकी पैकेजिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, देखो ये है सेम ही, पर इन्होंने अब नई पैकेजिंग में दिया है और सेम ही है ये बिल्कुल। ये देखो पूरा टब है, अभी अभी जस्ट मैंने ओपन किया है, अभी से यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आपकी ऑयली स्किन है ना, तो ये वाला सुपर लाइट जब आप डेफिनेटली यूज करो, बहुत लाइट वेट मेरे लिए तो ठीक है, मेरे तो एकदम ड्राई है ना ये। ऑयली स्किन के लिए परफेक्ट, मेरी स्किन ऑयली, मम्मा तो खैर लगाती है पतंजलि वाले एंटी रिंकल क्रीम लगाती हूं ना, तो मैं तो बाबा रामदेव जिंदाबाद, मुझे तो वही सारे प्रोडक्ट अच्छे। ये दिखाती हूँ मैं आपको, ये हमारे घर में रखे हुए, ये क्रीम रखी है, ये दंत कांति रखा है, और क्या है, बहुत कुछ है, टूथ पेस्ट है, हाँ वो तो रखा ही है, खत्म हो गया बस, अब ये निकाल ले। कंडीशनर है, ये कंडीशनर रखा है, और कंडीशनर तो इनका गाइस इतना अच्छा है ना, बहुत ही बढ़िया, इसमें जैतून का तेल वगैरह कई चीजें हैं, मतलब इसमें ना बाल एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं। कंडीशनर भी और फेस वॉश भी, फेस वॉश, कंडीशनर, शैम्पू, हम वही शैम्पू दिखाऊं मैं आपको वाला। तो देखो एक बोतल खत्म हो गई, दूसरी पहले एडवांस में ले आए हैं हम, एलोवेरा वाला बहुत ही अच्छा, और तो और साबुन भी उनके ही टंगे हुए हैं, ये एक्स्ट्रा थे, पोलिथीन में डाल दिए, बस हो गया। अब मैं लगा रही हूँ स्किन सनस्क्रीन, जिसके बिना बाहर निकलना गर्मियों में पाप है पाप। तो अगर आपको टैनिंग से बचना है ना, तो सनस्क्रीन जरूर लगाएं। अच्छा, लगा लेंगे। yes. आप और... लगाते ही नहीं हो, आपको मैंने कितनी बार बोला है सनस्क्रीन लगाया करो, और ये घर में भी जरूरी होता है, ये नहीं है कि आपको बाहर जाना है तभी आप लगाओ, घर में भी लगाओ आप। चलो अंदर भी आपको रेज, ठीक है मैं जा रही हूँ रसोई में, तो लगाती रहे, में तो अभी टाइम लगेगा, तो इसको बना के दे देती हूँ मैं, चावल की परोंठी, रात को चावल बनाए थे बच गए थे, तो उसकी परोंठी बना देती हूँ, इधर बन रही है चाय, तो ये खा के चली जाएगी, राजमा चावल बना के दोपहर को लंच, मसाला डाल दिया इसमें, हाँ लंच में भिजवा दूंगी। वैसे तो लंच नहीं करती, राजमा चावल है तो सभी खा ही लेते हैं खुश होके, इसके पापा को छोड़ के वही नहीं खाते बस। और इसमें राजमा बॉयल हो रहे हैं, बॉयल हो चुके हैं, तड़का नहीं लगा अभी, है ना, अभी तो कुछ भी नहीं। तो चलो मैं भी रेडी हो जाती हूँ, नाश्ता करा दिया है, ये हो गई है तैयार। कैसी लग रही हूँ? इतनी अच्छी तो नहीं है, नहीं लग रही ना, सुंदर कॉर्ड सेट है देखो, नाइस है, काम चला हुआ है। नहीं मुझे बर्थडे गिफ्ट मिला था, तो बताना कैसा लग रहा है, वैसे आपने देखा होगा लास्ट व्लॉग में दिखाया था मैंने बर्थडे वाले व्लॉग, बस ये तैयार हो गई, अंदर सब्जी रखी हुई है बनने के लिए, इधर धोऊंगी मैं कपड़े जो पहले डालने वाले हैं वाइट, वो हल्के कलर के, वो मैंने मशीन में डाल दिए हैं, पानी चल रहा है, थोड़ा सा गर्म भी लगा दिया है, बाद में ये डालूंगी, अभी तो अंदर भी टंगे हुए हैं, वो भी लेके आती हूँ, फिर इन्हें वॉश करते हैं, बस हाउस वाइफ की यही कहानी, घर घर की सब्जी, हर घर की सब्जी बना लो, कपड़े धो लो, बस यही काम चलता है, बर्तन मांज लो, इधर इसका बैग भी तैयार हो गया, और ये इधर पोछे लगाती है, झाड़ू लगाती है, कभी लाइटें बंद नहीं करती, कभी घंटों पहले ऐसे जलती छोड़ देगी काम करके, लाइट जलाती है जब बंद भी करनी चाहिए ना, तो ये कभी नहीं बंद करती, अब इसे मैं ही बंद करने आई हूँ, कर दी बंद, अब पूछते हैं उसे लाइट क्यों नहीं बंद करती, लाइटें जलाती है तो बंद कौन करेगा उसको, सुबह 8 बजे की लाइटें जल रही है, अब 10 बज गए, रोज का ही काम है, रोज भूल जाती है, जाने से पहले करके जाती हूँ, फिर जाने से पहले, हाँ। अच्छा करके जाती है, बताना आप, नहीं, जाने से पहले करके जाती हूँ मैं, नहीं पूछ पापा से, पूछा तो झूठ, हाँ डेली नहीं है पापा, आप तो मेरी साइड ले लो, ऐसे झूठ कैसे साइड ले, गालियां पड़ रही है मुझे, झूठ क्या, हरदम गाड़ी का, मैं रोज टोकती हूँ, हमेशा लाइट जैसे जलाती है, इधर पंखा भी चलता होता है, लाइटें भी जलती होती हैं, ओके सॉरी, ये नहीं होता अपना काम करा और अपना चल दिया, बस कीजिए, अब सुबह सुबह शुरू हो गए संडे है, तो गाइस इधर लगा लेती हूँ मैं राजमा को तड़का, कपड़े भी बाहर धुल रहे हैं, इधर मैंने कहा चलो राजमा बना लेती हूँ, बेटी का खाना भी भेजना है, 11 बज गए हैं, तो पहले तड़का लगा लेती हूँ, फिर साथ साथ चावल बनाऊंगी, इधर मैंने नारियल की चटनी भी बना दी है,
बहुत ही अच्छी, बहुत ही टेस्टी बनी है, बहुत बढ़िया। तो बस राजमा बनाते, इधर बॉयल हो ही गए हैं राजमा, और साथ साथ कपड़े भी धुलेंगे, दोपहर का लंच भी तैयार करना। तो फ्रेंड्स मसाला हमारा भुन गया एकदम बढ़िया से, ऑयल छोड़ दिया, बस अब इसे डाल देते हैं राजमा में। सिम गैस पे भुनो, एकदम बढ़िया मसाला तैयार हो जाता। और तीनों चीज़ें मैंने इकट्ठी पीस ली थी, लहसुन और अपना प्याज टमाटर, देख लो कितना बढ़िया तैयार हो गया मसाला। तो फ्रेंड्स बेटी का आया कोरियर, देखते हैं क्या आया है। तो वो तो गई है ऑफिस, मैं ही खोल के देख लेती हूँ। बेल्ट बताओ भाई, छोटी छोटी चीज भी ऑनलाइन है। बेल्ट अच्छी है, बेल्ट तो अच्छी सुंदर है। चलो ठीक है, ओके। तो फ्रेंड्स दोपहर को सारा काम करने के बाद कपड़े धोए, खाना बनाया, फिर थोड़ी देर आराम किया। इधर साहब बैठे हुए हैं, हेलो हेलो, चाय पी लो। तो बस सत्संग चले गए थे, खाना वाना खा के अब सत्संग से आए हैं, तो पी रहे हैं चाय। तो सत्संग में हमारे महिला एसोसिएशन है ना, तो उन्होंने ये नमकीन बनाई हुई थी, तो ये मैं 4-5 पैकेट लाई, तो वही टेस्ट कर रही थी, नमकीन अच्छी है तो अपना वहाँ से ले आई थी मैं। बस अब चाय पीते हैं, फिर आज संडे है, सब्जी मंडी भी जाएंगे, संडे मार्केट लगती है, फिर उसके बाद जाएंगे थोड़ी देर पार्क में, पार्क से फिर वही अपना एक आधा घंटा बैठेंगे, योगा करेंगे, सैर करेंगे थोड़ी बहुत, फिर घर आएंगे, फिर आगे का जो भी होगा आपको दिखाएंगे। फ्रेंड्स ये लगी हुई है संडे मार्केट, देखो कितना रश है, पैर रखने की भी जगह नहीं होती, संडे वाले दिन मार्केट लगती है, रिक्शा ही रिक्शा खड़े। तो पहले हम जाएंगे पार्क, फिर आते हुए लेंगे हम सब्जी। ये देखो कितनी बड़ी मार्केट लगती है, ये वहाँ आगे तक है देख लो है ना। ये गर्मियाँ है तो पानी के लिए भी है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, जैसे भी हम तो जा रहे हैं पार्क, आते हुए लेंगे सब्जी। रस दिखाती हूँ मैं आपको, रेड़ियाँ देखिए, आज संडे है ना, संडे करके अभी तो 6 ही बजे हैं, तो लोग अभी आ ही रहे हैं, तो हम कर रहे हैं एंटर। ये अटल पार्क पहुँच चुके हैं, तो यहाँ पे वही बीपी शुगर चेक हो रहा है, सभी लाइन लगा के खड़े हैं, पिछली बार मैंने भी करवाया था, तो फिर कर रहे हैं, आए संडे बैठते हैं, और ये सभी का हो रहा है बीपी शुगर चेक। तो हम तो चलते हैं आगे, मैं तो करवा नहीं रही क्योंकि मैंने पिछली बार करवा लिया था चेक, बच्चों की छुट्टियां हैं तो सभी बच्चों को लेके आए हुए हैं पार्क में। तो है वो अटल जी की मूर्ति लगाई हुई है, ये बोल सी है खेल बच्चों का है, कुछ खेलने का सामान। तो फ्रेंड्स पहले तो पार्क में करते हैं सैर, वजन घटाते हैं, फिर वजन बढ़ाते हैं, कोई आइसक्रीम खा रहा है, कोई बर्गर, कोई पिज्ज़ा। अंधेरा हो गया, 7:30-8 का टाइम हो गया, तो इधर ये बच्चों के अपने खेल खिलौने लेके बैठे हुए हैं। तो
संडे संडे वाले दिन रश बहुत है, देखो झूले, सारे बच्चे झूले के पास। कितना रश है दूर दूर तक। और ये पार्क कितना बड़ा है, बहुत बड़ा पार्क। तो फ्रेंड्स लोग आते हैं, खाते हैं और देखो कूड़ा नीचे गिरा देते हैं। ये देखो कितने डस्टबिन पड़े हुए हैं, दो इधर हैं और एक ये है और आगे भी हैं, फिर भी कूड़ा नीचे गिराया हुआ। कितनी गलत बात है, यहीं पे घूमने आते हैं और यहीं पे कूड़ा नीचे गिरा देते हैं, सफाई बिल्कुल नहीं रखते। ये नहीं पता कि घूमना तो हम सब नहीं है ना, सफाई रखेंगे तो हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, घूमेंगे आराम से, बच्चे कुछ उठाएंगे भी नहीं, गंद कबाड़ा उठा के बच्चे अपना खेलते हैं, फिर छोटे छोटे बच्चे उनको क्या पता। तो लोगों के अंदर बिल्कुल भी समझ नहीं है, भी सफाई रखें, खा के अपना फेंक देते हैं। सो फ्रेंड्स मैंने चेंज वेंज कर लिया और खाना वाना अच्छे से खा लिया, बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, राजमा चावल बने थे और मेरे तो फेवरेट हैं, तो मैंने फटाफट से आगे पहले खाना ही खाया। अभी बज रहे हैं 10:15, बस अब जो है मीठे का मन कर रहा था तो मैं लेकर आई हूँ मलाई टोस्ट, आइए आपको दिखाती हूँ। ये देखो गाइस, ब्रेड मैंने टोस्ट कर लिया था और उसके ऊपर हमने रखी है मलाई, ऊपर से चीनी, इस तरीके से मैंने ब्रेड टोस्ट कर लिया था और बस इसके ऊपर से मैं इसको सैंडविच बना के, ये हमारा सेकेंड वाला ब्रेड आ गया, ये देखिए, और हमारा सैंडविच रेडी है। ये हम खाएंगे अब मीठे में, मन कर रहा था, क्रेविंग होती है तो यही खा लेती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये। आ जाओ आप भी इंजॉय कर लो। ये दोनों भी इंजॉय कर रहे हैं, इन्होंने अपना फिनिश कर लिया है। हाँ जी फिनिश कर लिया, और मैंने अभी जस्ट बनाया है तो मैं खाती हूँ। तो फ्रेंड्स हमने मीठा मीठा तीनों ने खा लिया है और अब हम इस व्लॉग को करने लगे एंड। आपको आज का दिन कैसा लगा हमारा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और बहुत सारे कमेंट आते भी रहते हैं। एक जसबीर जी करके मुझे किसी ने कमेंट किया हुआ बड़ा अच्छा कि आपके, आप मेहनत करते रहिए, हम आपके ब्लॉग्स बहुत पसंद करते हैं, थैंक यू सो मच जसबीर जी, जो भी आप हैं तो अप्रिशिएट करने के लिए, पर मैं मेहनत करती रहूँगी और कभी ना कभी तो भगवान जी फल दे ही देंगे। क्यों पोमडेड, क्या लगता है आपको? बिल्कुल फल मिलेगा, एक दिन रात को सोएगी सुबह उठेगी, एक वीडियो पे लाइक मिलेगा, उस चमत्कार के इंतजार में ना मैं डेली ब्लॉग डाल रही हूँ, मैं डेली ब्लॉग डाल रही हूँ उस चमत्कार की वेट में। क्या हो गया, क्या वो ऐसा होगा कभी? फ्रेंड्स आप लोग अगर साथ देंगे तो जरूर, क्यों नहीं होगा। जसबीर जैसे है, जो भी है बेटा है, सर है, जो भी है भाई साहब है, कौन सी क्या, जो भी आप कमेंट कर रहे हैं मुझे दिल से थैंक यू, क्योंकि ये चीज बहुत मायने रखती है हमारे लिए, एक भी कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है ना। तो गाइज इसी नोट पे बस आज का व्लॉग एंड करते हैं, होपफुली आपको मजा आया हो, कुछ अच्छा लगे तो लाइक करेगा, शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बाय कर दीजिए, बाय।